मैंने टेक्स्ट किया था इस चीज के लिए कि हम ये देख लो, मैंने फोटोज भेजे और मैसेज भी किया साथ में ये टेक्स्ट एसडीएम साहब को उसके स्क्रीनशॉट हमें दोगे क्या? किसका स्क्रीनशॉट? जो एसडीएम साहब को जो टेक्स्ट मैसेज किया प्रोटेस्ट के लिए। हाँ जी चलिए। तो सर ये नहीं दे सकती मैं क्योंकि वो है ये रूल की, ऐसा नहीं करूंगी, बट मैं ये आपको बता रही हूँ ये वायलेशन नहीं है मैम, ये सोशल मीडिया में भी देना है कि मैंने इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, कल आपके ऊपर एक्टर गा के अगर डाल देंगे तो आपके पास क्या प्रूफ रहेगा? तो वो बोलेगा मुझे तो मैसेज आया नहीं, आप क्या मैंने रीड किया नहीं, तो क्या आपके पास ऑथेंटिसिटी रहेगी? सर यही है, मैं आपको रेजोल्यूशन 101% दे सकती हूँ, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रही हूँ, मैसेज सर से भी परमिशन लेंगे। दूसरी बार बैक टू विलेज में आए सर, तब भी हमने यही बात की, रेजोल्यूशन 2022 की पास की हुई है कि आप ये रोड जो है मतलब कंप्लीट करो, वरना हम मतलब उल्टे तरीके से आपको पेश आएंगे, बट नथिंग एल्स। फिर अभी रिसेंटली 3 महीने पहले हमने स्ट्राइक की अच्छी खासी, सबने हम अगर अब्दुल गनी मलिक साहब ने अगर अपने अपने वहां पे एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग वो नहीं ले पाए तो ये तो बहुत मुश्किल की बात है ना सर, अगर आपके अपने गांव में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, जेई आएगा नहीं, एक्सिन आएगा नहीं, एडब्ल्यू आएगा, इनको हम डंडे के जोर पे लगाते हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि आपने ऐसा नालायक एक्सिन पता नहीं यहाँ पे इस मोर तहसील मोर किया, जब उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं आप इसको कंटिन्यू मत करिए, हम आपकी 101% सपोर्ट करेंगे, तो हम इस चीज पे एग्री हो गए, लेकिन 3 महीने में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों गरीबों की फसल का मारा हुआ, घर का मारा हुआ, उसका कौन देगा कंपनसेशन? चलिए चलिए शुक्रिया, नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़, तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम फर्स्ट ऑल वीडियो के अंदर, और जो दर्शक हमारे नए भी होते हैं हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और फर्स्ट ऑल में अपील करते हैं कि प्लीज़ चैनल को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी ताकत जब हमारे पास आती है तो हम लोग बड़े से बड़े इश्यूज़ को लेकर के सरकार तक पहुँचाते हैं। जो चसाना के एरिया के अंदर एक रोड को लेकर के कल बारिश हुई थी, मेरे काफ़ी वीडियो हमारे पास आ रही थी, तो हम लोगों को जो पहाड़ी लोगों को हमने एक फैसिलिटी दे रखा है पहाड़ी चैनल की तरफ से दे रखा है कि अगर भाई हम लोग वहां तो जा नहीं सकते हैं चसाना में ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, तो आप फोन लाइन पे भी आप हमारे साथ वार्तालाप कर सकते हो और अपना पक्ष रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आप वीडियो आप लोगों को साथ साथ देखेंगे कि और वीडियो वहाँ पर क्या किस किस्म क्या दिशा है, उन रोडों की क्या हालत है पहाड़ी लोगों की रोडों की। चलिए हम इस रोड को लेकर के चसाना उस एरिया के अंदर रोड की कंडीशन ख़राब क्यों खराब है, कौन इसमें फेलियर है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है क्या, या कौन से लीडर फेलियर है, चलो बातचीत करें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। शुक्रिया सर, आप नाम बताएं सर, आप कहां से बोल रहे हैं? मेरा नाम तस्वीर सिंह है, मैं चाना से बोल रहा हूं, सोशल एक्टिविस्ट तस्वीर सिंह फ्रॉम चाना। अच्छा, क्या इश्यूज है आपके रोड का? फर्स्ट ऑल आपने ये फोन दिया था ऐसे डीडीसी का, तो उनको तो बेचारे को फुर्सत नहीं बात करने, 5 बार कॉल किया हमने, तो हम लोगों की भला कैसे करेगा सरकार जब हम लोग अगर मीडिया को टाइम नहीं देते हो आप लोग और मीडिया के सवालों का सामना नहीं करना पड़ते हो और अंडरग्राउंड हो जाते हो तो सर मैंने आपसे पहले तो मैंने भी उनको कॉल की थी लेकिन उनके हस्बैंड ने उठाया फोन तो उन्होंने कहा कि मैडम की तबीयत खराब है, तो मैंने बोला नहीं नहीं एक्स डीडीसी की बात करें हम, अब डीडीसी को तो हमने कॉल किया ही नहीं है कि क्या पोजिशन है उसके एरिया में, अगर इतनी खस्ता हालत है तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? तो इसमें देखो ना सर, अगर जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं अगर वही हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा जैसे 1947 से चल रहा आ रहा है सिस्टम वैसे का वैसे ही है। देखो सर, अगर 20 साल से हमारा रोड कंप्लीट नहीं हुआ, एक सिड़का खोद के छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी जरूरत है तो ना हमारे चुने हुए नुमाइंदों को, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जैसे रोड बना हुआ है जिस कंडीशन में है तो हम इसको ओपन तो करने देंगे नहीं अब, क्योंकि जब भी मैंने एक्सिन साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है। सर 20 साल से क्या जो अपना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है इनके अकाउंट में पैसा नहीं आया? सरकार के पास पैसे कमी नहीं है तो वर्ल्ड में 5वें नंबर में इकोनॉमिक में सरकार है, तो ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना पैसा है तो हम तो 5वें नंबर है वर्ल्ड में, तो फिर पैसे की कमी कहाँ से आ जाती है? सर मैं तो यही बात पूछना चाहता हूँ ना कि अगर हमारा रोड कंप्लीट कैसे हुआ, अगर 20 साल से आपने एक खोद के रख दिया इसको ऐसे ही, तो 20 साल में अगर इसको कंप्लीट आपने कैसे दे दिया, कौन है जिम्मेवार इसका? नहीं कंप्लीट क्या, कंप्लीट शो कर रहे हैं क्या वो रोड? जी सर वो रोड शो कर रहे हैं कि इसको ब्लैक टॉप हुआ है, और जब ब्लैक टॉप हुआ था तो कौन से जेई थे, कौन एक्सिन था उस टाइम पे,
कौन अपना ये कॉन्ट्रेक्टर था जिस बंदे ने इसको ये फाइनल डिसीजन देकर इसमें गाड़ी चलाना शुरू कर दी। तो हमारे जो जब से मैंने अपने होश हवा में देख रहा हूँ तो मुझे ये 20 साल से ये सड़क जो है वैसे की वैसी है, इसमें सिर्फ नाले और गड्ढे हैं, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अच्छा तस्वीर जी, मेरी तस्वीर जी, हमारा एक सवाल रहेगा आपसे। तो आप सोशल एक्टिविट हो, चलो आप 20 साल का, आपको तो पता नहीं था आपके संभाल में आया रोड। हमें ये नहीं था, हम देख रहे थे पानी इतनी बुरी तरह से ऊपर से आ रहा है पहाड़ों की तरफ से, क्या इसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जेईस होते हैं या ये डबल ई होते हैं या टेक्निकल जो DPR जब बनती है तो कौन सा टेक्नोलॉजी वहाँ लगाते हैं? ना तो उसका ड्रेनेज होते हैं, ना तो एक बॉल होती है, ना रिटेनिंग बॉल्स होती हैं, और डायरेक्ट पानी आता है और पत्थर ना जाने नाले ऊपर से किस तरह से अलाइनमेंट दिए जाती है। जब अलाइनमेंट दी जाती है तो कौन इसके जो क्या जो टीम लोकल टीम होती है इनके साथ या नहीं होती है, क्या कारण रहे कि जो सारे बैठे बैठे जहाँ तो बैठे बैठे ऑफिस के अंदर बनाया गया है या DPR बनाया गया है? मैं सर आपकी आपको काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो भी होता है कि ग्राउंड लेवल पे कोई भी आदमी नहीं आता है, नहीं तो यहाँ पे AJ आएगा, नहीं XIN आएगा, नहीं AW आएगा, इनको हम डंडे के जोर पे लगाते हैं। हम मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि आपने ऐसा नालायक XIN पता नहीं यहाँ पे इस मोर तहसील मोर सर्वे कैसे किए जाते हैं? सर्वे देखते थे, पानी देख रहे थे, किस तरह से उनको सर्वे को किसने पास किया और कौन वो कहना एक्शन थे, कौन टेक्निकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, तो उनके खिलाफ अभी आज तक आप लोगों ने क्यों कंप्लेंट नहीं किया है ये बताओ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो चुने हुए नुमाइंदे हमारे, ये तो एक भी ग्राउंड लेवल पे जब भी कोई काम होता था ये एक भी नहीं आता है। ठीक है, जब ये लोग नहीं आते हैं तो जो जैसे हमारे जैसे जो नौजवान लोग हैं फिर हमें सोशल एक्टिविस्ट बन के एज उस काम के पीछे पड़ना पड़ता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। जब हम बाहर निकलते हैं जैसे हम प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे, ये लोग हमारा फिर भी साथ नहीं देते हैं। अब हाँ, ये भी देखा था हमने, पहले वीडियो डाली थी तो एक भी सरपंच पंच और DDC कोई आप लोगों का साथ नहीं दिया था। तो अभी इलेक्शन आने वाली है, तस्वीर अभी इलेक्शन आने वाली है, जनरल इलेक्शन, तो उसमें आप क्या कहेंगे? आने वाली है तो सर, तो आप तो सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे आप भी नहीं करेंगे तो फिर जनता देख लेगी क्या करना है। तो सबसे बड़ी वहां पे कौन लीडर रहा हुआ है, पुराने लीडर 20 साल से पहले कौन था, उसके किसके अंडर थी ये सर? ये जब ये सड़क बनी थी उस वक्त हमारे जो ये अपना अब्दुल गनी मलिक साहब जो ये थे यहाँ पे एज MLA। अच्छा, तो उसके बाद फिर आगे हमारे नए MLA मुमताज अहमद खान साहब, तो उन्होंने भी वो भी आए, बस आए और चलते गए। क्या आप लोगों ने उनको अप्रोच किया क्या, अब्दुल गनी मलिक को, इन MLA को अप्रोच किया क्या सर? अप्रोच अब्दुल गनी मलिक साहब, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन नहीं बुराई नहीं, आप सच बोलिए। देखो पहाड़ी एक्सप्रेस में हमेशा आप लोगों को बोलते हैं हम भी किसी बुराई नहीं, हमारे भी बहुत दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि सच बोलने वाला दुश्मन होता है। आप सच बोलिए, अगर अब्दुल गनी मलिक साहब ने अगर अपने अपने वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग वो नहीं ले पाए तो ये तो बहुत मुश्किल की बात है ना सर। अगर आपके अपने गांव में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है तो सर अगर आप दूसरे को अप्रोच करोगे तो आप रोड का कहां है? रोड का तो ये 5 किलोमीटर का फैसला था, ये तो फिर बहुत मुश्किल है ना। तो इसके लिए मैं तो सबसे बड़ा कसूरवार तो ठहराऊंगा जो हमारे यहाँ पे चुने हुए नुमाइंदों इनको। तो दूसरी बात ये है कि मैं DC साहब DC 80 से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सर अगर 20 साल से इस रोड की ये कंडीशन है। चलिए अभी मैडम का फोन आ रहा है, चलिए मैं उनसे बात करता हूँ, पर लेता हूँ। हाँ मैडम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। हाँ जी जी सर। मैम आप अपना नाम बताएं। जी मैं नाम शहनाज अख्तर है, मैंने उसी से हूँ, तहसील किसाना से। अच्छा न्योसी से, आप क्या DDC है क्या? नहीं मैंने कंटेस्ट किया है, मैं कंटेक्स DDC। हाँ जी, और रनर अप रही। तो कौन सा एरिया मैम, किस एरिया में और इसमें कौन है जिम्मेवार इस एरिया के लिए? हम देख रहे हैं कि जो पानी आ रहा है ऊपर से रोडों की तरफ से पहाड़ों की तरफ से, ये कौन इसको अलाइनमेंट किया है, कौन टेक्निकल आदमी थे जो बैठे बैठे घर में DPR बना देते हैं, ना उसका ड्रेनेज है, ना उसका रिटेनिंग बॉल्स है, ना पानी का कोई निकाव कर रखा है, ये कौन है? पब्लिक जिम्मेवार है, आप लोगों की तो जिम्मेवार हो, इसके कौन है जिम्मेवार, थोड़ा बताएं प्लीज। सर सबसे पहली बात यह है कि 2002 से जब मैं बहुत छोटी थी तब से मतलब ये सड़का निकला, एटलीस्ट 20 साल हो गए इस रोड को। मतलब इतना रोड और कहां से, उसका थोड़ा सा जगह बताएं, कहां कहां से रोड, कौन से एरिया से है ये रोड शुरू हुआ था खराब?
सुंगड़ी से मतलब कालाबंद से चाना, इसका रोड का नाम है शहीद निजामुद्दीन आई थिंक उसके नाम से है। बट ये सिर्फ एक सिड़का निकाला गया है, कम से कम कोई 6 किलोमीटर रोड है तो, बट उसका अभी तक मतलब कुछ भी नहीं हुआ, वो ही सिड़का है। अच्छा फिर उसके बाद जब हमने स्ट्राइक की, अभी हर साल बोलते थे कि आप प्लान में आएगा, फिर बैक टू विलेज के लिए यहाँ पे जो ऑफिसर्स आए हमने उनके साथ जाके बात की, उन्होंने पंचायत का रेजोल्यूशन बनाया चाना पंचायत का कि चलो कोई बात नहीं आप हमें, फिर जेईज वगैरह को बुलाया गया, मैं वहां पे गई कि आप हमें लास्ट टाइम बता दीजिए कि कितना वक्त इस चीज के लिए लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि हमें 2 महीने दे दीजिए, हमने कहा चलो 2 नहीं 6 महीने रख लीजिए। फिर पीडब्ल्यूडी के जो जेई वगैरह आए थे उन्होंने कहा चलो 6 महीने हम आपकी डीपीआर बना के सबमिट कर देंगे, हम आगे उसको मतलब फर्दर कर देंगे यहाँ से कि आगे, ताकि आपका काम जो है वो लग जाए। फिर उस 6 महीने के गुजरने के बाद जब दूसरी बार बैक टू विलेज में आए सर, तब भी हमने यही बात की, रेजोल्यूशन 2022 की पास की हुई है कि आप ये रोड जो है मतलब कंप्लीट करो, वरना हम मतलब उल्टे तरीके से आपको पेश आएंगे, बट नथिंग एल्स। फिर अभी रिसेंटली 3 महीने पहले हमने स्ट्राइक की अच्छी खासी, सबने हमें मना किया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे थ्रेट्स भी आई क्योंकि तब गोसरनाथ की यात्रा का सिलसिला चल रहा था, बट हमने किसी मतलब कि आप पब्लिक को पर्सनली मुझे बोला गया कि आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव लोगों को भड़का रहे हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, आप वायलेट कर रहे हो रूल्स को, बट मैंने हम सब ने नहीं माने, जितने भी यूथ्स लोग थे हमने थोड़े बहुत जमा होके हमने वहां पे अच्छी खासी स्ट्राइक की। उसके बाद जे सर आए हमने नहीं एक्सेप्ट किया, SHO सर आए हमने नहीं एक्सेप्ट किया, उसके बाद एक्सिन सर आए बाई फुट चल के, उन्होंने स्टोर की हालत देखी कि कितने लोगों के मतलब फसलों को तो छोड़ो घर छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे कल आपने देखा होगा बारिश जैसी हुई, सारा नदी नाले उन पानी जो है वो उनके घरों में के पहुंच गया। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उसका ये मतलब होता है कि उसकी वजह से लोगों को आसाइश हो, आराम हो, बट यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, रोड कैसी आई कि लोगों को जो है अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो 2002 के बाद देखो आप कितना ज्यादा वक्त हो चुका है, ऐसे तो मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लोग उसके बाद बना के तो कंप्लीट कर देते हैं, बट यहाँ पे एक रोड का 4 या 6 किलोमीटर का सिड़का जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसको भी दफा करो, मतलब ब्लैक टॉप को तो दफा करो, आज तक रोड ही नहीं पड़ी। फिर एक्शन सर जब आए उन्होंने हमारे साथ ये प्रॉमिस किया कि चलो मैं ब्लैक टॉप तो नहीं करवा सकता लेकिन मैं आपको मतलब नाली और रोड़ी ये दोनों चीजें डलवा के दूंगा। फिर आप उससे पहले क्या करो कि DC मैम से जो है वो रेजोल्यूशन करवा के लाओ, पैसा सैंक्शन करवा के लाओ। फिर हम मतलब हम 5-8 यूथ यहाँ से इकट्ठे हुए, जाके रेजोल्यूशन मैम से बनवा के लाया, CPO मैम को दिया और उन्होंने कहा चलो जी आप इसका पता रखना। फिर भी हम कंटिन्यू उस चीज पे देखते रहे, आज पैसा सैंक्शन होगा, ये होगा, वो होगा। बाद में CPO मैम ने बोला जब पैसा आएगा तभी हम सैंक्शन करेंगे, अभी पैसा नहीं आया। तो मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ कि हमारे ही लिए पैसा क्यों नहीं है? उसके बाद नहीं मैं आप तो बोलो ना, पैसे के लिए पैसा नहीं है, ये शायद क्या झूठे माने प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड की नंबर 5वें नंबर में इकोनॉमी है, तो 5वें नंबर इकोनॉमी की क्या है, ये झूठा प्रचार है क्या? आप लोग क्या क्या कहेंगे इसके ऊपर? झूठा प्रचार ही, हम तो ये कहेंगे कि फैसिलिटी जब प्रोवाइड होती है हम लोगों को, बेसिक इंसान की नीड्स क्या है, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग है ना, आप ये रोड हमारे से शेल्टर ही छीन रही है, मतलब हमारा घर ही जा रहा है इसकी वजह से, तो हम इसको क्या फैसिलिटी माने? आप बाकी चीजों को तो छोड़ो, हम उसमें बात ही नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो आप कहाँ पहुंच गया है ना। चलो मैं रोड के ऊपर बात कर रहे हैं, रोड के ऊपर ही बात करिए प्लीज। इसके ऊपर हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? DDC कहाँ है आपका? BDC कहाँ है? चलो सरपंच कहाँ है? उन्होंने 20 साल से क्यों नहीं ये चीज इनिशिएटिव लिया और पब्लिक फिर उनको जिता रही है, ये किस कौन जिम्मेवार है? पब्लिक जिम्मेवार है? वो के लिए नहीं लिया, पब्लिक क्यों रिस्पॉन्सिबल है? पब्लिक थोड़ी अपने घर से पैसा लगा के देगी, रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव तो लेना पड़ता है ना, इनिशिएटिव लेना बड़ा काम नहीं हो रहा है तो आपको आवाज तो उठाना पड़ेगी ना, आपको रिटर्न कार्रवाई तो करना पड़ेगी ना। रिटर्न कितनी बार दें सर, हमने रेजोल्यूशन तक दिया, हम DC मैम के पास गए, अपना जेब से खर्चा करके। क्या हमारे को शेयर करोगे आप वो रेजोल्यूशन चैनल के लिए?
ऑफ कोर्स क्यों नहीं करेंगे। हम यहाँ से 10 बार मतलब एक अनएम्प्लॉयड बंदे के लिए यहाँ से रियासी जाना बहुत बड़ी बात होती है। हम सेल्फ खर्चे पे 10 बार यहाँ से डीसी मैम के पास गए, एक्सचेंज सर के पास मैंने पर्सनली 10 चक्कर लगाए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। डीडीसी क्यों नहीं किया, डीडीसी को गलती तो लोगों ने किया ना, वोट देके गलती तो लोगों ने किया ना, ये तो उनको पता होगा ना कि मैंने आज तक अपने प्लान में इसका नाम तक क्यों नहीं रखा, मैंने रिपेयरिंग का इशू क्यों नहीं उठाया। तो अगर वो मतलब प्रेजेंटली अच्छे से वर्क कर रही होती तो उनको 3 साल हो गए। अभी तो हम सुन रहे हैं वो उनको कॉल करो, चलो हम कॉल करेंगे उनको भी, वो तो बोलते क्या, वो तो हमें कुछ सोर्स बता रहे थे कि उनको अगर कॉल करो तो उनका घर वाला उठाता है फोन, वो तो फोन बात ही नहीं करती है बोला। तो फिर ये तो उनको होना चाहिए ना कि अगर वो अपने हस्बैंड से बात करवाती हैं तो फिर उनको ये होना चाहिए था कि इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था, वो उनका पर्सनल मैटर है। आई डैम के पर्सनल मैटर में, पर्सनल मैटर नहीं है ये, पब्लिक इशू है। अगर आप लोग आप आगे नेक्स्ट क्या करने वाले हो, क्या इशू क्या उठाने वाले हो, सुन रहे थे मंडे को प्रोटेस्ट में जा रहे हो। ऑफ कोर्स मैं जा रही हूँ और मैं इंशाल्लाह पब्लिक को लीड भी करूंगी, अपने साथ कोशिश करूंगी जितना। कहाँ से प्रोटेस्ट करोगे और कहाँ रहोगे आप? हम बिल्कुल मतलब सुंगड़ी से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ हेल्प करेगी वैसे वैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन मिल गया क्या? परमिशन नहीं, लेकिन हम इन्फॉर्म करेंगे। मैंने मतलब आज संडे है, कल तो 2 दिन पहले प्रेयर इन्फॉर्मेशन दी देनी चाहिए। अभी तो कहाँ, आप लोग भी नहीं सही कानून को हाथ ले रहे हो, सही नहीं ले रहे हो, कहीं काम नहीं कर रहे हो। नहीं, मैंने सर को ये इसको एलजीएम सर को मैंने टेक्स्ट किया था इस चीज के लिए कि हम ये देख लो, मैंने फोटोज भेजे और मैसेज भी किया साथ में जो एसडीएम साहब को उसके स्क्रीनशॉट हमें दोगे क्या? किसका स्क्रीनशॉट? जो एसडीएम साहब को जो टेक्स्ट मैसेज किया प्रोटेस्ट के लिए। हाँ जी, चलिए। तो सर ये नहीं दे सकती मैं, क्योंकि वो एक अच्छे ऑफिसर हैं और मतलब ऑफिसर की बात मैं अगर पब्लिक में लूंगी तो हो सकता है ये भी उनका एक वायलेशन होती है रूल की, ऐसा नहीं करूंगी। बट मैं ये आपको बता रही हूँ, ये वायलेशन नहीं है मैम, ये आपने अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ अगर इन्फॉर्म किया तो प्रे इंटीमेशन आपने सोशल मीडिया में भी देना है कि मैंने इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। कल आपके ऊपर एक्ट लगा के अगर डाल देंगे तो आपके पास क्या प्रूफ रहेगा? तो वो बोलेगा मुझे तो मैसेज आया नहीं, आप क्या मैंने रीड किया नहीं, तो क्या आपके पास अथेंटिसिटी रहेगी? सर यही है, मैं आपको रेजोल्यूशन 101% दे सकती हूँ, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रही हूँ। मैसेजर सर से भी परमिशन लेंगे चसाना से, बट हम मंडे को प्रोटेस्ट करेंगे, देखेंगे फर्दर क्या होता है। अगर क्योंकि हमने 3 महीने पहले इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया, जब उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू मत करिए, हम आपकी 101% सपोर्ट करेंगे, तो हम चीज पे एग्री हो गए। लेकिन 3 महीने में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों गरीबों की फसल का मारा हुआ, घर का मारा हुआ, उसका कौन देगा कंपनसेशन? चलिए चलिए, शुक्रिया मैम, शुक्रिया, थैंक यू, ओके। ये थे सोशल वर्कर, और सोशल वर्कर के साथ तो कंटेस्टर डीडीसी मैडम थी, जिन्होंने सारी बताया, कहानी बताया कि क्या क्या है। हम तो यही कहेंगे इन ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक, पहाड़ी लोग जो हमारे पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से, हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं। और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनकी फरियाद को सुनते हैं, तो वहाँ उस एरिया में जा करके जो एक्शन साहब PWD के हैं उनसे हम भी अनुरोध करेंगे, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वहाँ जा करके देखिए कि रोडों की बहुत बुरी हालत है और बहुत बुरा हाल है। पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, हिंदुस्तान के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि मैन पावर की कमी हो सकती है और आप लोगों की कमी हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि प्रोटेस्ट ना करे, जनता प्रोटेस्ट ना करे और ना रोडों पे आए, उससे पहले ही अगर इसे वीडियो से कोई वायरल होने के बाद अगर आप लोगों को तक पहुंचती है तो आप उनको समझा सकते हैं, उनको इनिशिएटिव ले सकते हो। और चलिए, कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दे इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।